Oh my god. Why is there open your window? Video, not video. Why isn't she making it? I'm making. I don't know why he keeps putting this. Do you reckon I could just steal shalwar kameez from him? Why are you going to steal a shalwar kameez from him? This is a chadar, not shalwar kameez. Ladies' chadar. Oh. And dupatta. We can come find some men's shalwar kameez. Haan ji, dal chawal, dal chawal. Wah ji wah. Haroon ke. And Zahira. Kya baat hai? Check the car. Cheez hai ya nahi? See safai. A long story I'll tell you in a minute. You know what I mean. Yes, you know when he came out. On the way, we're showing you something else. You love it. Aaya Arun, cha gaye. Kya baat hai? Bas. Thank you, thank you. Main roti je khadi ni chaad upar hi lendi hai. Bas. ये तो हम आपको बताएंगे और क्या क्या किया हमने वहाँ, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये सब जानने के लिए आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ साथ। तो हम जा रहे हैं जी घूमने फिरने सैर सपाटे के लिए। तो इन सैर सपाटों में हम रहेंगे आपके साथ साथ और आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ साथ। तो जी ज़बरदस्त सा हम सफ़र कर रहे हैं जी मरी का। मरी के सफ़र के लिए हम निकल पड़े हैं कहाँ जी, जेहलम से हम निकले हैं इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद के लिए निकले तो हैं लेकिन रास्ते में हमें कहीं रुकना भी पड़ेगा। तो कहाँ रुकेंगे हम और हम क्यों रुकेंगे ये भी जानिएगा। आप हमारे साथ रहिएगा जी। तो मैं बता देती हूँ, इंतज़ार ख़त्म करती हूँ। तो है जी हम जा रहे हैं जी नथिया गली सॉरी, हम जी रास्ते में रुकेंगे जी ज़बरदस्त से दाल चावल खाने के लिए। दाल चावल जी ज़बरदस्त से यमी से हो क्या यम 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 साथ जो अचार आता है ना है। ये हम रुके हैं जी जेहलम से जाते हुए गुजरहान के रास्ते में दाल चावल खाने के लिए। ज़बरदस्त सी जगह है। आप हमारे पास टाइम कम था इसलिए गाड़ी भी मंगवा लिए। आप बाहर बड़ा प्यारा सेटअप है इनका, आप ज़रूर जाइएगा और खा के मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैं स्पेशल जब भी इस्लामाबाद के रास्ते में हम लोग जाते हैं तो मैं मस्त दाल चावल खाती हूँ। मैं रोने लग जाती हूँ कि नहीं मुझे दाल चावल खाने हैं तो फिर मैं आगे जाऊँगी। तो दाल चावल खाने के बाद चाय भी ले आया वो बंदा, थैंक यू सो मच। तो उसी ज़बरदस्ती चाय पीने के बाद हमारे पास टाइम थोड़ा था तो हम निकल पड़े इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद की खूबसूरत सी हमें फैसल मस्जिद भी नज़र आ गई और ये सेंट टॉरस का माल भी हमें नज़र आ रहा है और खूबसूरत सी लश पश करती हुई सड़कें हैं जी, ग्रीनरी से भरे हुए इनकी। बड़ा प्यारा सा हमारा इस्लामाबाद है जी, ये खूबसूरत सा इस्लामाबाद ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस्लामाबाद कैसा लगा जी। आगे आगे और खूबसूरती आती जा रही है। इन सब खूबसूरतियों के लिए देखने के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ साथ जी। पाकिस्तान तो है ही खूबसूरत, पाकिस्तान का हर शहर खूबसूरत है। पाकिस्तान की गर्मी भी बहुत प्यारी है, सर्दी की तो क्या ही बात है। तो जी ये लश पश सी सड़कें, ये लश पश ग्रीनरी देख रहे हैं आप। ये है जी हमारा इस्लामाबाद।
तो जी हम कहाँ जा रहे हैं जी, हम कहाँ करूँ, दाल चावल तो हमने खाए थे जी, जस्ट टेस्ट, जस्ट फॉर टेस्ट हमने जस्ट थोड़ा सा एक वो क्या कहते हैं चस्का लगाया था। तो अब हम जा रहे हैं जी खाने के लिए। हाय खाना हम क्या खाएंगे जी, हमें एज यूजुअल हम इस्लामाबाद आए और हम काबुल रेस्टोरेंट पर ना जाएँ नामुमकिन। तो जी हम जा रहे हैं काबुल रेस्टोरेंट, मुझे नहीं पसंद बिकॉज काबुल रेस्टोरेंट का जो अफ़गानी टिक्का है ना वो जी मेरे हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट है, लेकिन मुझे गोश्त इतना पसंद नहीं है तो इसलिए मुझे वो टिक्का भी इतना पसंद नहीं है। तो मैं जी गुजारा कर लेती हूँ काबुली पुलाव खा के जो कि बहुत यमी है। तो आप अगर आपको अफगान टिक्का ना पसंद आए तो आप काबुली पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत। तो जी हम आ रहे हैं जी काबुल रेस्टोरेंट की तरफ। तो काबुल रेस्टोरेंट की तरफ आ रहे हैं तो हमने देख लिया जी सफ़ा माल, सफ़ा माल क्या देखा हमने, हमें तो जाने की परमिशन ही नहीं थी क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और टाइम कम होने की वजह से हम कहीं रुक नहीं सकते थे, जस्ट खाने के लिए हम रेस्टोरेंट में रुके। तो जी हम फिर भी निकल गए जी सफ़ा माल चले गए। हाय हमें ज़बरदस्ती निकाल लिया गया कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हमने दूर जाना है, हमने मरी घूमना है और उसके बाद हमें नक्या गिरी जानी है, तो इसलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम वापसी पे जब हम वापस आएंगे तो हम तब सफ़ा माल देख लेंगे, हम तब थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर लेंगे, लेकिन अभी आप लोग अगर गुस्से तो आप बाहर नहीं निकलोगे, लेकिन क्या करें दिल पगला माना ही नहीं, फिर भी हम गुस्से गए जी ये काबुल रेस्टोरेंट से आ गए। गाड़ी हमने पार्क की, पार्क करने के बाद जी हम थोड़ी तकलीफ गली से होते 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 सफ़ा गोल्ड माल चले गए। तो वहाँ से हमें कुछ खरीदना नहीं, खरीदने नहीं दिया गया तो ज़बरदस्ती हमें निकाल लिया गया। उसी ज़बरदस्ती के चक्कर में हमारे मूड हो गए ऑफ, तो मूड ऑफ होने की वजह से जी हम वीडियो नहीं बना पाए। तो फिर मैंने जस्ट जो जी पिक्चर्स थी उसी को मैंने कहा चलो यही आपके साथ शेयर कर देती हूँ काबुल रेस्टोरेंट की पिक्चर। तो हमने क्या खाया जी, ये हमने खाया जी अफ़गान टिक्का, ये है जी अफ़गान टिक्का और ये है जी उनकी स्पेशल चटनी और ये है जी उनका कबाब के साथ, एक उनकी रेसिपी है मुझे नहीं पता दाल चावल कुछ इस तरह दाल सी होती है और साथ है जी काबुली पुलाव, बहुत मज़े का है ये, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको यही रिकमेंड कर सकती हूँ क्योंकि मैं यही खा लेती हूँ भूख की वजह से। तो जी काबुल रेस्टोरेंट से निकलते ही मैं थोड़ी देर बाद ही सो चुकी थी, तो सोने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरी ठंडी ठंडी वादी में पहुंच गई। ओहो हो खूबसूरत सी वादी है जी, मैं कहूँ यार ये मैं कहाँ आ गई। जब मैंने पूरी आंखें खोल के देखा तो मैं पहुंच चुकी थी मरी की इन ठंडी ठंडी सड़कों पर। क्या बात है, अरे वाह क्या ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी वेदर का, वहाँ पे गर्मी पड़ रही है और यहाँ पे जी ठंडा 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 खूबसूरत सा मौसम है। तो हम जी आ गए हैं जी मरी में, खूबसूरत सा ठंडा सा मौसम था क्योंकि जेहलम में बहुत गर्मी थी। ओए होए होए होए, तो हम जेहलम की गर्मी से भागे तो अल्लाह ने हमें थोड़ी थोड़ी ठंड दे दी। तो इस खूबसूरत सी ठंडी सी मरी की सड़कों को और मरी की जो ये पहाड़ है, मरी की खूबसूरत सी जिलमिल जिलमिल करती ये जो वादियां हैं जी, हम यहाँ घूम रहे हैं। हम अभी कहाँ जा रहे हैं जी, खूबसूरत सी ये आप देखें छतरियाँ जी, बच्चों के ड्रेसेस जी, हमने वापसी पे खरीदा अपनी बेटी के लिए। तो जाते हुए हम लोगों को जल्दी थी क्योंकि हमने जहाँ जाना था हमने चेयर लिफ्ट पे जाना था तो वो कहीं हो जाती बंद तो सारा मज़ा हो जाता फिर करा, क्योंकि शाम जल्दी हो जाती है तो भी हम लोग फिर चेयर लिफ्ट पे ना जा सकते। तो फिर हम मरी की सड़कों से घूमते 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 खूबसूरत सी शालों को देखते हुए, खूबसूरत से दरख्तों को, खूबसूरत से पहाड़ों को देखते 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 हम गुजर रहे थे मरी से। तो जी हम जा रहे थे जी चेयर लिफ्ट पे, चेयर लिफ्ट पे बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, जबकि मैं उस पर बैठने से डर रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कह रही थी कि नहीं रहने दें आप लोग चले जाएं मुझे नहीं जाना। तो मुझे ज़बरदस्ती लेके गए कि जी
अब हम आए हैं तो तुम बाहर बैठोगी तो देर हो जाएगी, तो आप साथ चलो क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है चेरलिफ्ट का और फिर वापसी पे आते हुए शाम हो जाएगी तो आप अकेले कैसे बैठोगे। तो फिर मैंने सोचा हाँ अकेले बैठने से बेहतर है कि हम चले चलते हैं। बड़ा दिल पे पत्थर रखा क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है बैठने, और फिर जब वो नीचे देखती हूँ मुझे हाइट से थोड़ा डर, पहले नहीं लगता था अब थोड़ा थोड़ा डर लगता है। तो जी फिर मैंने कहा चलो बैठ ही जाते हैं। तो फिर हम आ रहे हैं जी, जा रहे हैं, सॉरी हम जा रहे हैं कहाँ पे, हम जा रहे हैं जी चेयर लिफ्ट की तरफ। आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ जाओ, लेकिन नहीं जी चेयर लिफ्ट आने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये जी खूबसूरत सी चादरें हैं जी, ये प्यारी प्यारी सी चादरें ज़रूर देख लें, खरीदनी हो तो खरीद भी लें, हमने नहीं खरीदी, आपने खरीदनी हो तो खरीद लें। बड़ी प्यारी प्यारी शॉल्स होती हैं जी रास्ते में, बड़ा प्यारा प्यारा जी ये माहौल होता है, प्यारी प्यारी अम्ब्रेलाज लगी होती हैं, प्यारे प्यारे फ्रॉक्स लगे होते हैं बच्चों के, और चादरें तो बहुत ही ज़बरदस्त सी प्यारी प्यारी सी लगी होती हैं, तो देखने को भी बड़ा अच्छा लगता है। और अब मरी में आप को मंकी भी बहुत नज़र आएंगे, तो ये प्यारी प्यारी सी काऊ जा रही थी, हम निकाल इनको भी कैप्चर कर लेते हैं। और खूबसूरत सी ग्रीनरी भी देख रहे हैं आप, ये प्यारी सी गोल मटोल सी रोडे हैं जी, टकबग कर रही हैं, तो जी इनको भी देखते जाएं और चलते जाएं जी, चलते जाएं चलते जाएं। मरी आ रहा है जी, ये मरी ही है, आपको मरी ही नज़र आ रहा है हर तरफ। तो आ गए हैं जी हम चेयर लिफ्ट पे, काफ़ी देर लंबी कतार के बाद हम पहुँचे जी अपनी, हम बारी का इंतज़ार कर रहे थे जी। हाँ जी ये बताती चलूँ कि हमने टिकट ख़रीदा, हम चार लोग थे और एक छोटी सी मेरी बेटी थी, वो तो हमारी गोद में आ गई। तो टिकट कितना है जी, पर हेड है जी 2000 रुपीज़, तो आई थिंक 2000 रुपीज़ है जी, बिल्कुल 2000 रुपीज़ है, तो आपको दीजिए और चेयर लिफ्ट का झूला लीजिए। तो हम चार लोग थे, तो ये जी मैं बैठी और ये आगे है जी हमारे साथ जो दो बच्चे हैं जी, ये आगे बैठे हुए हैं और हम लोग हैं जी इस जहाँ से वीडियो बन रही है जी। मैं बड़ा डर रही थी, ओहो मेरा तो दिल कांप रहा था, हाय 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 हाय, जब मैं नीचे देखती थी तो मुझे और मसला होता था, और जब ये जो दरमियान में जब ये टावर सा बना हुआ ना पोल सा, ये पोल आता है ना, ओए होए डर लगता है मुझे, मैं रोने वाली होगी, नहीं बस बस मुझे उतार दें कहीं पे, मुझे उतार दें, मैंने नहीं जाना। लेकिन खैर फिर भी मैंने जाते हुए थोड़ा सा डरी, लेकिन आते हुए तो जो मैंने इंजॉय किया, हाय 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 हाय, बड़ा मज़ा आया था। तो ज़बरदस्त था जी, हम जा रहे थे नीचे तो मौसम ऐसा था जैसे हल्की हल्की सी मतलब इंजॉय करने वाला था, हमने पतले गर्मियों वाले कपड़े पहने हुए थे, तो लाइट सा मज़े का मतलब वेदर था। लेकिन जब हम पहुंचे ऊपर, ओए होए हम तो बादलों से भी ऊपर पहुंच गए, जो ठंड थी वहां पे, मेरी बेटी ने पहना हुआ था बिल्कुल रोमपर पहना हुआ था उसने बगैर बाजुओं के, और वो ठंडी बर्फ हो गई, तो मुझे ये हमने रास्ते में पिक्चर भी बनवाई थी अपनी, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ जी तो वो मेरी बेटी बहुत ठंडी होगी। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमें जब उतारा गया, ओए होए इतनी लंबी लाइन, इतनी क्यू कि भाई रास्ता है कि ख़त्म होने का नाम ना ले, वो कहें जी आप इंतज़ार कर लें, इंतज़ार कर लें, हम इंतज़ार, हमने कहा हमें वापस भेज दें भाई, हमारी छोटी सी बच्ची है इसको ठंड ना लगे, उन्होंने कहा नहीं ये हमारा रूल ही नहीं है, हम जब किसी को एक दफ़ा बिठा लेते हैं फिर उसको उतारते हैं, फिर वो लाइन में दोबारा लगेगा तब आपको रास्ता मिलेगा, तब आपको दोबारा ये चेयर लिफ्ट पे बैठना पड़ेगा, ये नहीं होगा कि आप आए तो साथ ही उसी पे वापस चले जाएं, ऐसा नहीं होता। खैर फिर हमने क्या किया, वहाँ पे पकोड़े समोसे भी थे, लेकिन हमने कहा कि जो बाहर से बच्चे आए हुए हैं ये कहीं बीमार ना हो जाएं, क्योंकि बाहर के बच्चे जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनका पानी चेंज होता है। तो फिर हमने खुद भी ठंड में कोई चीज़ नहीं खाई, क्योंकि हम खाते तो उनका भी दिल करता, तो इसलिए फिर हमने उनको भी रहने दिया, हम लग गए कतार में, क्योंकि अगर हम उधर खाने बैठ जाते तो हमारी क्यू और लंबी हो जाती और हम और एंड पे चले जाते, तो इसलिए हमने कहा चलो जी जैसे तैसे हम क्यू में लगें और आगे 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 जाने की तैयारी करें।
तो जी ये देख लें जी, हम जा रहे हैं चेयर लिफ्ट पे। बड़ी लंबी थी भाई, बहुत लंबी थी। जाते हुए तो मुझे बहुत डर लगा, मैंने कहा नहीं मुझे उतार दें। ये देख लें आप, हम बादलों के करीब 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 आते जा रहे हैं। बड़ी ही ठंड थी ऊपर, ओए होए होए बड़ी ठंड थी। तो ये देख लें जी, ऊपर देखें तो बादल ही बादल, नीचे देखें तो कुछ भी नहीं है। तो ये देखें जी, हम बिल्कुल बादलों के बीच से गुजर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं जी, जाने के मनाजिर, आने के मनाजिर ये थे कि अंधेरा बहुत हो चुका था, तो हम इतना वीडियो को कैप्चर नहीं कर सके। तो ये देख लें, बिल्कुल बिल्कुल हम बादलों के बीच में आ गए। ये देखिए जी, हम उतर चुके हैं, उतरते ही हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। तो फिर हमारी जब बारी आई है तो बड़ी लंबी क्यू के बाद हम पहुँचे हैं जी अपनी बारी पे, और हम बैठ रहे हैं जी। जी तो ये हम जा रहे हैं वापस ऊपर। बादलों में हम कैप्चर नहीं कर सके वीडियो को, क्योंकि ऊपर एक तो डार्क हो चुका था काफ़ी और बादल थे, तो जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन सकी। और इसलिए हम लोगों ने नीचे आके वीडियो बनाई है। देखें जी, जगमग जगमग करती खूबसूरत सी लाइट्स हैं। ये लाइट्स किस चीज़ की हैं जी? पार्क है बच्चों का और उसकी रोशनियाँ हैं। और थोड़ी सी मतलब शाम भी इधर कम है, ऊपर बहुत डार्क था, तो इस वजह से हम वीडियो कैप्चर नहीं कर सके। तो नीचे उतरते ही हम निकल पड़े नथिया गली के लिए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और हम थक भी बहुत चुके थे, तो इसलिए हम नथिया गली के लिए जा रहे थे। और हम